सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर नॉलेज गोदारा चैनल को और बेल आइकन दबाएं खेतीबाड़ी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चीकू की खेती के बारे में। चीकू की खेती कौन कौन से देश में होती है, हमारे भारत में जो है कितने हेक्टर में खेती होती है, पैदावार एक वर्ष में कितनी होती है, ये जनरल नॉलेज से संबंधित चीकू की खेती के बारे में बताएंगा। इसके लिए कौन सी अनुकूल ज़मीन है और इसके लिए जलवायु व हवामान कैसा चाहिए, ये गर्म व आर्द्र जलवायु पर कर सकते हैं, वह तापमान कितना चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, वो सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ ML गोदरा, एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। किसान भाई, ये चीकू उष्ण कटिबंध का एक महत्वपूर्ण फल है। भारत में यह आम, केले, नींबू, सेब और जई के बाद छठे स्थान पर है। हालांकि भारत में चीकू की खेती 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, लेकिन हमारे देश के दक्षिणी हिस्से की जलवायु इतनी अनुकूल हो गई कि लोग भारत को अपनी जन्मभूमि मानते हैं। लेकिन वास्तव में चीकू मध्य अमेरिका, मैक्सिको का मूल निवासी है। भारत में इसकी खेती फल खाने के लिए की जाती है। दुनिया के अन्य देश जैसे जमैका, फिलीपींस, दक्षिण फ्लोरिडा, चीन, श्रीलंका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज आदि व्यावसायिक रूप से चीकू की खेती करते हैं। भारत के तटीय राज्यों जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में चीकू की खेती की जाती है। यूनिट क्षेत्र से उत्पादन बढ़ाने के अलावा पूरे वर्ष फल देने वाला और रोग के कम संक्रमण सारी को सहन करने की क्षमता और पानी की कमी का सामना करने की क्षमता में चीकू फसल को हमारे देश में अधिक लोकप्रिय बना दिया है। भारतीय बागवानी डेटा बेस 2017 के अनुसार चीकू की खेती भारत में लगभग 1,07,000 हेक्टर के क्षेत्र में की जाती है और प्रतिवर्ष 12.01 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ प्रतिवर्ष 12.85 मिलियन मीट्रिक टन पैदावार होती है। चीकू की खेती गुजरात राज्य के कुछ ज़िलों में की जाती है, जहां पर कुल 28,800 हेक्टर में चीकू की खेती करते हैं, जिसका वार्षिक उत्पादन 2,88,000 मीट्रिक टन है। खीरा मीठा, खट्टा और मलाईदार होता है। पक्के चीकू को सुखाकर चिप्स, चीकू हलवा, चीकू मुरब्बा, चीकू का रस आदि बनाया जाता है। किसान भाइयों, अनुकूल ज़मीन और हवामान की बात करें तो चीकू एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। तट की गर्म और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। चीकू को समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। 18 से 35 डिग्री तापमान बहुत अनुकूल है। 40 डिग्री तापमान पर चीकू के फूल और छोटे फल खरीदे जाते हैं। कम तापमान पर चीकू के पेड़ का विकास जो है रुक जाता है और फल छोटे और देर से पकते हैं। अच्छी तरह से 1500 से 2000 मिलीमीटर बारिश वाले इलाके में चीकू की जो फसल अच्छी होती है। चीकू जो है अच्छी तरह से सूखा, गहरी लौकी, बेसर या मध्यम काली मिट्टी के अनुकूल है। नदी या तटीय रेखा के साथ गहरी बियड़ चीकू फसलों के लिए आदर्श हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।